अज चारे पासे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने शब्दी हमले किए ने और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार दे समय लोकां दे टैक्स दे पैसे दी बर्बादी दी मिसाल है। मुख्तार अंसारी नू जेल च दित्तियां VVIP सहूलतां, उस नू पंजाब विच रखण लई वड्डे वड्डे वकीलां नू इक इक पेशी ते लखां रुपए दित्ते जांदे सन। मान सरकार इस मामले दी जांच करवा के किसे नू भी नहीं बख्शेगी। इस दौरान बकायदा तौर ते कांगसा वल्लों इक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच इक इक उस गल दा जिक्र कीता है कि किस तरह पंजाब दे लोकां दे खून पसीने दी कमाई नूं इन्हां ने गैंगस्टरां दी देखभाल वास्ते इस्तेमाल कीता है। आओ वेखदे हां पूरे दा पूरा वीडियो। पंजाब दे लोकां दे पैसे दी दुरवरतों किस हद तक होई आ, इहदा इक एग्जांपल है कि पहला ते मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नूं पंजाब दी जेल च रख्या जांदा है, फिर उहनूं डिफेंड करन लई लखां रुपए खर्च करके महंगे वकील जड़े आ मानयोग अदालतां च खड़े कीते जांदे। ना सिर्फ राजनीतिक पुश्त बनाई है बल्कि पंजाब दे लोकां दे टैक्स दी दुरवरतों भी है और यह परंपरा रही है पिछले सालां च। इसे तरीके नाल गैंगस्टर कल्चर प्रमोट होया और पेट्रोनेज होया और पिछले दिनों आपां देखिया है कि वर्दीधारी लोग नशियां दे कारोबार नूं किस तरीके नाल पुस्त बनाई करते रहे और मान साहब की सरकार ने उरते भी एग्जाम्पलरी एक्शन लिया है, पहला कदी नहीं होया। और जिन्हां लोगों ने पंजाब दियां जेलां च रख के गैंगस्टरां नूं बचाया और उन्हां नूं कानूनी मदद, पंजाब दे लोगों दे पैसे नाल कानूनी मदद मुहैया कराने की जिहड़ी साजिश कीती आ, उह वी पर्दाफाश होई आ और इन्हां लोगों नूं आने वाले टाइम च इहदा हिसाब किताब भी जिहड़ा आ उह देना पऊगा। और मान साहब की सरकार किसी नूं बख्शण वाली नहीं आ, सच्चाई जिहड़ी एक एक करके पंजाब दे लोगों दे सामने आऊगी।